कॉल कट किया मैंने मैं मैसेज में जाके देखा तो उसपे लिखा होता है हाय दिस इज आमिर खान एंड प्लीज लेट मी नो व्हेन एवर आर फ्री आई विल कॉल मैंने अपनी वाइफ को मैंने कहा तो करो मैंने कहा पागल है ये सही नहीं हो सकता थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर जानेमन मैंने तो देख ली वैसे कल कैसे लिया बहुत अच्छी लग प्लॉट ट्विस्ट आपने कभी एक आ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज कही थी आपने कहा था कि यू डोंट गेट एनीथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन फेट तो आपको अभी पंद्रह साल हो गए इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है जो आपके नसीब में था वो आपको मिल गया या अभी भी कुछ बाकी है पता नहीं ना अभी क्या क्या और नसीब में है तो <laughs> अब तक अब ये सोचना छोड़ दिया मैंने कि यार कब मिलेगा किसको क्या मिलेगा कितना मिलेगा

वो राजी के दौरान शुरू हो गया था वहाँ से फिर मुझे ये ये भय भय बोल दो या ये सोचना छोड़ दिया था कि यार इसके बाद क्या होगा हम्म ये हो गया है अब इसके बाद जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा और आप हमेशा से ऐसे थे क्योंकि आप आप आपके जो जर्नी है बहुत ही एक्टिंग से नहीं जुड़ी थी यू आर बोर्न इन अ फार्मिंग फैमिली और आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने थे जी तो उस बारे में आप बताइए मुझे लगता है दसवीं क्लास तक गांव में जो स्कूल था वहाँ पढ़ाई हुई और साथ में खेती चलती रही आपका पढ़ाई चलती रही और आप स्पोर्ट्स हैं हरियाणा में है स्पोर्ट्स का कि आप वो करते रहे आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में uh, आपका बैकग्राउंड जब बहुत uh, सारी चीज़ों से होकर गुजरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वो आपको बहुत रिच करता है एज अ एज एन एक्टर क्योंकि आपने बहुत सारे पड़ाव देखे होते हैं अलग अलग जगहों पे तो मुझे आ, ये रिलेट करने में मुश्किल नहीं होता है कि कोई गांव का किसान कैसे काम करेगा आर्मी की जहाँ तक बात थी मुझे लगता है कि आप इंस्पायर होते हो हरियाणा में आर्मी और स्पोर्ट्स का बहुत हैवी कल्चर है स्पेशली जो शहर में मैं पढ़ा हूँ रोहतक में हमारे कॉलेज में हर साल एटलीस्ट साल में दो बार होता है एसएसबी तो हर एसएसबी में हर छः महीने में कम से कम आठ या दस लड़के ऐसे होते थे जिनको जिनके बारे में सुना जाता था कि वो एस एस क्लियर हो गई तो वो आप लगातार इंस्पायर होते चीजों से सीनियर so, तो जब आते थे लेफ्टिनेंट है कोई कैप्टन है एंड यू सी देर लाइफ स्टाइल हाउ दे बिहेव हाउ दे वॉक हाउ दे टॉक दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट सो प्लस टू के बाद ट्वेल्थ के बाद वो शुरू हुआ ग्रेजुएशन तक सब स्पोर्ट्स भी होते थे स्टेज पर भी जाते थे पोइट्री के कॉम्पिटिशन्ते थे उसमें जाता था हिंदी उर्दू के डिबेट सिंपोजियम डांस बट बनना फौजी अफसर था हुँ. और वो हुआ नहीं तो फिर शायद एक्टर बन गए तो व्हेन डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्टर आफ्टर माय एमए आफ्टर योर या देन लाइक नाउ व्हाट हां और कुछ नहीं है दिमाग में कोई एक्टिंग को लेके एक्टिंग के अलावा कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं था दिमाग में कि जिसमें आप खुश हो देन आई थॉट मैं एक बार पूछ लेता हूं अपने गुरु से जो थिएटर के जो मेरे सुनील चटकारा नाम है उनका वो भिवानी से हैं अभी दिल्ली में हैं तो मैंने सुनील भाई को पूछा कि आपको क्या लगता है मैं कुछ कर लूँगा इसमें दैनी साइड कि तू इसके अलावा कुछ और नहीं कर पाएगा ये मुझे पता है दैनी साइड गो एंड आई आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू लर्न एक्टिंग नॉट लाइक दिस आई जस्ट गो टू बॉम्बे एंड स्ट्रगल नो एंड ही टोल्ड मी अबाउट एफ टी Because FTI was not in news because of there was no acting course before 2004. But from 78 to 2004, there was no acting course. Hmm. But he knew somehow that the acting batch has started last year, so you must apply for FTI. I never heard of it. I went to the Internet Cafe. <laughs> Cyber Cafe. <laughs> Cyber ha. Cafe. I went there, googled it, and I could see the whole list of amazing people who have done amazing things in cinema. Then I thought, yeah, this could be a nice place. I applied for that. And that's how. Or FDI, me. Uh, you shared batches with Rajkumar Rao, uh, Vijay Verma, your co-star yeah, Sunny. Ah, uh, us.

उ इज योर टू सब जैसे ही थे ऐसा कुछ एक्सक्लूसिवली मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था <laughs> <laughs> सभी कर रहे थे आ, तो और जेनुअनली बताता हूँ मतलब एकदम दिल से वो कभी स्ट्रगल लगता नहीं है hmm. अगर आपको जेनुअनली आपको पता है कि आप आपके अंदर वो बात है आपको भरोसा है कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन मैं कर लूंगा आपको वो जर्नी जर्नी ही होती है आपका स्ट्रगल कभी नहीं होता है मुझे तो नहीं फील हुआ आज तक नहीं हुआ तो वो दो साल भी वैसे ही थे तो आई थिंक वो दो साल खूबसूरती से बीते दो ढाई साल और वो चलता रहा वो ऐसा नहीं कि वो जर्नी खत्म हुई थी वो बहुत लंबे टाइम तक चली थी ये था कि फिर काम धीरे धीरे कोई एक फिल्म आ गई फिर कोई दूसरी आ गई पर वो जो जर्नी थी वो हमेशा कायम थी ऐसा नहीं था कि सडनली रातों रात कुछ हो गया था तो हमने अपने हिस्से की रातें काटी भूखे भरे पेट जैसी भी थी खूबसूरत थी <laughs> जब खट्टा मीठा का रोल मिला आपको तब ऐसे लगा कि वो जो नसीब का फैक्टर है कि

यार अंदर तो कोई नहीं बैठता था अंदर कोई तो मैं और पंकज भाई बाहर बैठे रहते थे तो मेरी ना वैसे वैन पे नजर रहती थी अजय सर की वैन पे मैंने का यार ये काफी बड़ी है अकेले आदमी के लिए तो <laughs> और मैं और पंकज भाई पंकज भाई पहले से बहुत सारा काम कर चुके थे पंकज भाई बोलते होगा गुरु होगा कभी ना कभी होना तो चाहिए एंड टू आई गॉट खट्टा मीठा ऑन द सेट्स ऑफ आक्रोश ओनली

वो थक चुके हैं इस फिल्म के बारे सुन सुन हाँ, <laughs> 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 तो में कुछ ओ में था उस स्क्रिप्ट के और उस किरदार के ना मुझे ना बहुत सारी चीजें वाइल आई वाज वर्किंग बहुत ज्यादा याद नहीं है हाँ ऑफसेट याद है बहुत सारी कहानियां क्या हैं हाँ बनारस में ये खाया वो खाया यहाँ घूमे वहां घूमे बट जब काम कर रहा था ना तो मैं मुझे लगता है कि मैं एकदम सरेंडर कर चुका था अनुराग सर को कि जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं करके दिखा रहा हूं आपको लगे कि इसमें सही गलत कुछ है तो आप मुझे बताते रहना तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन जो बाद में उस वक्त नहीं लगा था ये इतना आइकॉनिक होने वाला मुझे लगता है किसी को नहीं पता था कि वासीपुर ऐसी बनने वाली है और किसी को यकीन नहीं था जो भी टीम में काम कर सबको था कि यार अच्छी फिल्म बना रहे हैं देखते हैं जब होगा और मुझे तो मतलब द लास्ट Person जिसको ये उम्मीद होगी कि इससे कुछ होगा मेरा <laughs> और फिल्म रिलीज हुई सडनली वो जो रिस्पॉन्स आपको मिला ना आप मैं जेन ऐसा दो दिन मैं ऐसा क्या कर दिया हमने कुछ है फिल्म है नॉर्मल बट तब तक मैंने भी नहीं देखी थी दिक्कत ये वैसा वहां फील नहीं हो रहा था करते वक्त तो उसकी वो बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग थी बहुत कमाल की फीलिंग थी वो देन वी वेंट टू कांस फिल्म फेस्टिवल पूरा पूरा लाव लश्कर वहाँ पहुंचा हुआ था 25 20 25 लोग बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ जो फिल्म को मिला मतलब लोग जेन्यूनली पागल हो गए थे उस फिल्म को देख के तो उस फिल्म वो इस वजह से जेन्यूनली आइकॉनिक है कि मुझे लगता है कि उस फिल्म ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली बहुत सारी जिंदगी में तब बदलाव आ गया तब्दीलियां आ गई आई थिंक आज ऑलमोस्ट हर एक्टर उस फिल्म का जो टेक्नीशियन हो राइटर्स हो सब सब काम कर रहे हैं और वो वो आइकॉनिक इसलिए भी है वो उसकी ऑफसेट कहानियां ज्यादा आइकॉनिक है सुबह उतरते थे क्योंकि वो धर्मशाला में भी ऐसा कुछ खाना तो था नहीं बनारस में स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है और अमेजिंग स्ट्रीट फूड है बनारस में सुबह उतरते थे होटल के धर्मशाला के बाहर ही वो लगे थे स्टॉल जो सुबह खोलते हैं छह बजे खुल जाते हैं इतना खाते थे क्योंकि आपको पता नहीं कि शूट पर जहां जा रहे हैं वो बहुत ही अजीब सी रेगिस्तान जैसी जगह जहां कोई नहीं दूर दूर के छोटे छोटे मकान हैं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं तो यही पेट भर लो ठूस लो जितना हो सके और थोड़ा बहुत सब अपने अपनी जेब में डाल लेते थे पैक करवाओ देखते हैं ऐसा होता कई बार सिर्फ चावल और दाल आए हैं और वो चावल चावल नहीं है वो पत्थर बने हुए हैं ऐसे आप बेसिकली उठाओ दाल था आपके लिए। आपको लगता है गैंग हाँ, एक -मोड़ था ही। टर्निंग तो नहीं उस वक्त बहुत अच्छा लेकिन उससे कुछ बाद में कुछ मिला नहीं ऐसा कुछ उस वक्त तो नहीं मिला बहुत टाइम बाद आ, यहां की बजाय बल्कि कमल सर के साथ एक फिल्म की मैंने विश्वरूपम वो डेफिनेटली वासेपुर की वजह से मिली फिर उसके बाद यहां कमांडो की बट वो चलता रहा ऐसा नहीं हुआ कि लगातार काम मिलने लगा है एक दो साल में एक फिल्म मिल रही है और फिर कमांडो आई तो उसके बाद हर रोल वैसा ही आने लगा आई स्क्रिप्ट लेकिन वो बहुत ही गंदी स्क्रिप्ट थी सबको एक आउट एंड आउट एक अजीब सा कुछ किरदार लिख दिया उन्होंने अपने दिमाग में उनको लगता है कि इट विल वर्क नहीं फिर से वो फिर एक लंबा टाइम भी था कोई काम नहीं था उस वक्त हाँ फिर वो दो साल एकदम खाली कोई काम नहीं था देन राजी वॉज गुड तो, मेरा वेट जो था वो बहुत सही था इंतजार अच्छा रहा

उस उम्र में और भी एक्टर हैं उस उम्र के जिस उम्र के ये कैरेक्टर है मी शी जस्ट और कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने <laughs> और मुझे शायद मिल गया कि हाँ ठीक है चुपचाप करना है तो ड्रीम डायरेक्टर फॉर एनी एक्टर वो वो है ना अपने एक्टर को ऐसे ऐसे सहेज के रखती हैं ना प्रोटेक्ट करती है हर चीज से क्योंकि तो उनको पता है कि उनकी कहानी की खूबसूरती जो है वो इन इनके थ्रू बाहर जाने वाली है तो उसमें जितने भी सीन थे जिस तरह भी क्योंकि अब मैं मुझे मैंने वेट बढ़ाया फिर उसके लिए थोड़ा सा कुछ पांच सात किलो बहुत ही बहुत ही थिन था मैं तो कुछ आठ दस किलो के, के आसपास वेट बढ़ाया गया वो सब कॉस्ट्यूम डिजाइन किया एवरीथिंग थिंग वॉज डन बाई मेघना के ये हेयर स्टाइल ये ये बट आपका शरीर की एनर्जी अलग है तो पहले दो तीन दिन मुझे स्टिल याद है बाकी सारी चीजें हो रही हैं बट द स्पीड ऑफ योर बॉडी इज डिफरेंट देन द कैरेक्टर करेक्ट एंड शी ऑलवेज यूज टू लाइक <laughs> बस स्मूथ काम ठहराव दो दिन के बाद वो वो उस रिदम समझ में आई मुझे कि अच्छा वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी एंड मेघना इज लाइक शी इज अमेजिंग अमेजिंग मिक्स ऑफ गुलजार साहब एंड शी इज टू गुड और वो इतना इतना रोज कई बार इतनी रो पड़ी थी ना स्क्रिप्ट को मैंने हम उनको चलते सीन्स में रोते हुए देखा है रिमेम्बर <laughs> क्योंकि बाद में जब गाना हुआ दिल भरो ओ गॉड या वेरी बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है हां एक बार हर बाप रोया होगा उसको <laughs> सुन के और हर लड़की रोई <laughs> होगी हो <laughs> क्योंकि हम इतनी बार रो चुके थे <laughs> उनको सुन के शूट करते हुए मेघना इतनी बार रो चुकी थी आलिया इतनी बार रो चुकी थी

पहला ही सीन सुबह सुबह नौ साढ़े नौ बजे के आसपास कॉल टाइम था बैठे हैं रहे हैं सडनली खान सा बॉक्सिंग माहौल अलग हो गया उसके बाद और मैं हाय सर हेलो सर बैठे सब ठीक है हाँ ओके आई एम ट्रेंड फॉर दिस और मैं उनको ऐसे ऐसे नजर चुपा चुपा के देखे जा रहा हूँ सडनली ओके रेस करते हैं लाइनें होगी पर जब एक्चुअल टेक की बारी आई देन किंग खान बिकम द एक्टर किंग खान एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक ओ शिट आई हैव सीन दिस फेस लाइक मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स एंड नाउ आई हैव बिकम द ऑडियंस मैं भूल गया कि मैं एक्टर हूं आई थिंक लाइफ में सिर्फ एक बार स्टार्स तक हुआ हूं मैं उस आदमी ने मैं 10 सेकंड लेट चल रहा हूं <laughs> सब है फेस पे नहीं आ रहा है सब सब <laughs> और फिर खान साहब

उसके बाद एक टेक में सीन हो गया और फिर उन्होंने तीन दिन तक खिंचाई की मेरी इस बात कि जहां भी तेरा तेरी एक्टिंग खराब होगी ना मेरी मेरा रिएक्शन शॉट डाल देंगे अगले तीन दिन मैंने जितनी कॉफी पी है उनकी और मैं जब इतना इतना, इतना एक्सपीरियंसड आदमी आपके सामने हो न, मेरी आदत है मैं मैं फिर छोड़ देने में सवाल पूछने अगर उन्होंने मुझे वो कंफर्ट दे दिया तो और खान साहब के साथ एम श्योर sure जितने लोग भी मिले होंगे उनका सेम एक्सपीरियंस है कि वो आदमी आपको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी बना देगा जब तक आप उनके साथ हो आप ऐसे बिछ जाओगे कि आप बस प्रभु आप ही हो इतनी सारी किस्से कहानियां उनके साथ उनके लाइफ को लेके और बहुत मुखर और होके बात करते हैं वो ऐसा नहीं कि मैं इतना बता दूं उतना तो नहीं दिल खोल के बात करते हैं तो वो तीन दिन जो चार दिन शूट के थे ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है लाइफ का आई yeah. विश के कभी उनके साथ एक इंडिपेंडेंस फेट <laughs> एक लंबा काम करने को मिले एक फिल्म <laughs> में जहां बट हीज हीज एन एक्सपीरियंस या या एंड आफ्टर दिस फेज राइट ओटीटी स्टार्टेड कमिंग एंड डेवलपिंग इट्स अ लेवलर In yeah. terms of actors, talent, acting, आपको क्या लगता है कि जो ओ टी टी का इंडिया में इतना बड़ा जो हुआ है अभी एंड योर करियर पैराली वो को रिलेटेड है कि नहीं है आई थिंक वो फिर से वही बात है कि वो वो टाइमिंग ऐसी मेरा मेरा जो पहला ओटीटी का काम था वो नेटफ्लिक्स पे ही था बाड ब्लड उसके बाद जब पाताल लोक आया हम सब घरों में थे डॉक्टर दुनिया डरी हुई थी एंड फिर से वही बात मैंने कभी नहीं सोचा था दूर दूर तक तो ख्याल नहीं था इस बात का ये पता था कि हमने अच्छा काम किया डेफिनेटली पता था पर ये नहीं सोचा था कि दो दिन के बाद बंबारमेंट होने वाली है जिस दिन वो रिलीज हुआ उसके 48 घंटे बाद मेरा फोन हैंग, wow. हैंग हो गया था मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब चलो आज बहुत जरूरी एंड आई क्राइड एवरी सिंगल डे एट लाइक मल्टीपल टाइम्स जिस तरह के फोन आते थे जिस तरह के रेस्पॉन्स आते थे जिस तरह के इंडस्ट्री में जितने लोगों ने फोन किया जो जो उन्होंने बोला इसका एक एग्जाम्पल किसने क्या कहा जो यू like, वाओ मैं तो हर चीज को वाओ में <laughs> कोई एक आदमी फोन करके बोलता था ना कि भाई ये अमेजिंग है तो मैं हर एक आदमी को पता नहीं मैंने उस एक महीने में कुछ दस लाख बार थैंक यू बोला होगा दुनिया को फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दूसरा तीसरा दिन था मनोज भाई का फोन आया एंड इट टॉक्ट ऑलमोस्ट लाइक थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स उन्होंने जो जो बोला है, लंबी बात है पर उनकी तरफ से ये बात बोलना कि कि यार मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार फिर से एक्टिंग सीख ली मैं घंटों रोया हूं इस बात में मनोज वाजपेयी आपको ये बोल रहे हैं hmm. रात को हम आ, रात को दिन दहाड़ी थी शायद नहीं रात थी हम मेरा बैच यही सब विजय हम सब लेट इवनिंग हो चुका है दस साढ़े दस बज रहे हैं हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बैठे हुए हैं सब ऐसी बातें चल रही हैं खुश हैं सब कि हाँ यार बहुत कमाल ये हफ्ता दस दिन की बात है आया मैसेज ड्रॉप्ड और वो जितनी देर रहता है उतनी देर वापस चला जाते हैं हाँ। तो उसी में पढ़ा गया कि हाय दिस इज आमिर वो पहली लाइन सुनता है कि मैंने कहा भाई एक सेकेंड मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ मैं एक बार <laughs> दोबारा चेक करूँ कि मैंने जो देखा है वो सही है कॉल कट किया मैंने मैं मैसेज में जाके देखा तो उस पर लिखा होता है हाई दिस इज आमिर खान एंड प्लीज लेट मी नो मैन यू आर फ्री आई कॉल मैंने अपनी वाइफ को मैंने कहा तो करो मैंने कहा कर पागल है <laughs> ये सही नहीं हो सकता अब मैं Prankle. सोच रहा हूं, हाँ मैं सोच रहा हूं करूं कि नहीं करूं करूं कि नहीं करूं फिर मैंने उनको भी मैसेज कर दिया मैंने कहा हाय सर जस्ट सो योर मैसेज कॉल मी बनावर कॉल आया तो अब आप आवाज जैसी पहली आवाज पड़ती आपको पता है कि हाँ यहाँ मेरे खान <laughs> तो अच्छा कुछ वीडियो कॉल पे बात हो सकती क्या हाँ सर व्हाट्सएप <laughs> कॉल किया गया हैड ही अगेन वी डिस्कस लाइक गुड हाफ एन आवर अबाउट द प्रोसेस और मैं बोल रहा हूँ उनको सर मैंने कहा आप उससे प्रोसेस पूछ रहे हो मतलब आप इस इस चीज के <laughs> मास्टर माने जाते हो पीएचडी <laughs> कि कैसे तैयारी करते हैं कैरेक्टर की लुक से लेके हर चीज बट ही सो स्वीट एंड बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कि उस दिन प्रोसेस को लेके कहानियों को लेके फिल्मों को लेके तो या yeah, ऐसे बहुत सारे फोन आए फ्रॉम वन टी जो पाता now, जाने जान पाता देखी कल एंड

बट यार उसमें एक लुक है पर्टिकुलर तो वो एंड आई कुड सी के वो थोड़े से इस बात को लेके थोड़े स्केप्टिकल है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह का लुक मैं देख रहा हूं तो शायद मना कर देगा तो आपको लगता है क्या यार फिर से भर ऐसे रोल आने शुरू होंगे क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है राजी के बाद सबको मैं कुछ पैंतीस छत्तीस साल का रहा था मेरे पास सब फिफ्टी प्लस रोल आते थे <laughs> तो दादा को लगा कि अरे यार ये फिर से कुछ होगा बट मुझे एज एन एक्टर तब तक उस फेयर से बाहर आ चुका हूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे पसंद आ रहा है तो फिर कुछ भी हो मैंने कहा नहीं दादा ये लुक बहुत सही है आई वॉन्ट दिस एंड ही फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट कि ओ ही टोल्ड बी के एम मेकिंग दिस फिल्म इट्स इट्स लव स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट In my way, hmm. so here is my King Kong. Yeah, <laughs> wow. yeah. But amazing journey again. उस वक्त आपको पता था beauty कौन है? हाँ. Cast. Yes, yes, of course, of course. So, वो वो experience कैसे था? Another iconic Kareena Kapoor Khan in in the film. फिर से आप film. आपको क्योंकि आपको पता है कि यार इतना सारा काम कर चुके हैं, इतनी बड़ी star रही हैं. तो आप वेट करते हो कि जैसा वो आपको लिबर्टी देंगे वो मैं हमेशा करता हूं हर एक आदमी के साथ ही करता हूं जनरली जितनी वो आपको लिबर्टी करते हैं मुझे लगा कि अरे, बहुत ही वो बहुत सहज भाव में जीती है। वो लगता नहीं कि इतनी बड़ी स्टार है। पता है सबको स्टार है तो मुझे लगता है कि उनको भी पता है कि वो स्टार है पर वो वो इतना सहज भाव में जीती हैं ऑन सेट रीडिंग के टाइम पे हम सब पहले दिन पहला एक्टिंग जब साथ में जिस दिन हुँ. पहला सीन था उस दिन पाउट बना के फोटो डाली मेरी बोले तुम पाउट बनाओ मैंने कहा मैं नहीं बना सकता देखो <laughs> नहीं मैं सिखाती हूँ चलो इज फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ दैट वाइब पॉजिटिव वाइब क्या आपको लगता है कि हाँ यार हुँ. मैं बोलता मैं सेट पर भी, भी बोला था एक दिन हमारा कैमरा मैन उसने कंधे पे ले रखा था कैमरा और बेसिकली मैं गेट खोलता हूँ तो सामने खड़ी है पर मैं नहीं हूँ फ्रेम में क्योंकि एकदम क्लोज लेना था तो जैसे ही गेट खुला सामने तो इसका कुछ तो हुआ ये इम्बेलेंस हो गया मैंने पूरा दिन खिंचाई की उसके ऊपर मैंने कहा देखा था? आपको लगता है इतना आसान है करीना कपूर की आंखों में देख के एक्टिंग करना आप कैमरा नहीं संभाल पाए <laughs> और बेबो बहुत जल्दी एम्बेलेंस हो जाती है सबसे

विजय हाँ ठीक है डन हो जाएगा हुँ. कोई भी सीन होगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो कितना ही क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आप 18 साल से एक दूसरे को जानते हो 17 साल जितने भी 2005 से लेके अब तक अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक हम उस दौर में तो रहे हैं वहां ए विंग में वो रहता है मैं यहाँ बी विंग में हूँ नीचे बाथरूम में नहा है मैं यहां बाथरूम में नहा रहा हूँ और हासिल के डायलॉग पूरी पूरी फिल्म के डायलॉग उधर से ए, रण और इधर से ये काउंटर अटैक चले आधे आधे घंटे तक और लोग परेशान कह रहे चुप हो जाओ कभी ना <laughs> <laughs> तो वो वो रहा है बहुत अच्छा एक्टर है वैसे ही फैन हूं मैं और जब साथ में काम करते हो तो आपका ये बोझ सर से निकल जाता है कि आप को कैसे रिएक्ट करना है कैसे हैंडल करना है को एक्टर को देर इज नो नीड या और इस फिल्म का सबसे स्पेशल मेमोरी क्या था आपका जाने जा काम करना ऑफ कोर्स वो वो लुक बहुत इंटरेस्टिंग है वो फील hmm. करना बहुत इंटरेस्टिंग है एक बहुत खूबसूरत जिस तरह का रिलेशनशिप है नरेन और माया का वो भी इजी हो गया वो फिल्म जब आएगी तब पता चलेगा आप <laughs> कि मैं मुझे उनकी आँखों में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी <laughs> क्यों ये 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 फिल्म में है तो आसान हो गया और आई थिंक वो एक्सपीरियंस जो जो करीना के साथ और विजय के साथ रहा काम करने का और दादा वो अलग ही एनर्जी के इंसान है जिस तरह जितनी वो कॉम्प्लिकेटेड फिल्में बनाते हैं वो उतने ही सिंपल आदमी है आप उनको लगेगा कि अच्छा ये आदमी इतनी सीरियस फिल्म बना रहा है हुँ. नाचते रहते हैं इधर उधर <laughs> तो वो बेहद बेहद खूबसूरत टाइम रहा ओके आई हैव टू लास्ट क्वेश्चंस बहुत लंबा चला सॉरी <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल बदल आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम है हाँ हुँ. लेकिन कहा जाता है कि जब सक्सेस आती है तो बेटर हाफ का रोल कहीं ना कहीं होता ही है बिल्कुल so, आप उस बारे में बताइए बहुत ज्यादा uh, मुझे लगता है कि uh, जिस तरह के प्रोफेशन में मैं हूं और और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं ऐसे बहुत मुश्किल हो पाता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो पहली चीज जब आप जेनुअली जब आप काम करना शुरू करते हो या तो आप एकदम वेले हो काम नहीं है तो वो भी एक सरदर्दी है के घर में पड़ा है काम तो कुछ है नहीं और जब आप बहुत काम करते हो तो फेलियर और सक्सेस में ना दोनों में वो उस 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 पार्टनर का सहज भाव में रहना बेहद जरूरी है वो आपको उस फेलियर में भी पकड़ के रखे पूछ दे और जब सक्सेस हो रही है तब भी आपको वो सहेज के रखे कि हेलो ब्रीद ग्राउंडिंग ग्राउंडेड उड़ो मत दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क वो पूरी फिल्म में बस बोलेंगे चाहे ये दो मोमेंट अच्छे थे <laughs> अरे क्या अरे यहाँ दुनिया पागल हुई पड़ी है तुम्हें राजी में दो मोमेंट अच्छे लगे मतलब <laughs> <laughs> तो तो उसने उसने मुझे एक्टर बनते हुए देखा है वो फाइनल नहीं वो, देगा हाँ। वो वो घर में जो चल रहा है वो दिमाग में जो चल रहा है हर वक्त आप एक कुछ तो बदलाव होता है आपके अंदर जब आप एक स्क्रिप्ट काम कर रहे हो तो एक अच्छी स्क्रिप्ट स्पेशली तो फॉर एग्जाम्पल राजी के दौरान मुझे पता चला कि मैं राजी के दौरान पहली बार लाइफ में खराटे लेने शुरू किए मैंने स्ट्रेस कुछ तो चल रहा है बरातों को बात करना शुरू किया पॉइंट बिंग कि इन दौरान इन सब तैयारियों के दौरान आप कहीं ना कहीं से इफेक्ट हो रहे होते हो आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं आप चिड़चिड़े हो डर में हो गुस्से में हो जो भी है वो सब उसको वो संभाल रही है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पार्टनर जो है वो सेंसिबल हो आपको एहसास दिलाता रहे कि आप इंसान हो लास्ट <laughs> क्वेश्चन <laughs> जी आपने इतना कुछ देखा है लाइफ में यू नो योर ड्रीम्स हैव चेंज्ड आपने हार्डवर्क पे फेट पे जो बनाया है एज एन एक्टर एज अ हजबेंड जो ये वर्ल्ड है वो बैलेंस के ऊपर थी कि अगर नहीं सही जा रहा है तो अल वेट अल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी अल वेट टिल वो जो प्रोजेक्ट मुझे करना है वो मैं कर दूँ या अपना पैशन आइडेंटिफाई करना कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और फिर उसको एक्चुअली चेस करना बड़ी बात होती है इंडिया में ऐसे नहीं होता नहीं होता बहुत सारे यूथ है जो नहीं कर पाते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे अगर वो इस क्रॉस रोड पे है जो बैलेंस नहीं बनता मुझे लगता है कि यूथ से ज़्यादा ना मैं उन परिवारों को ये बात बोलूंगा कि थोड़ा सा वो अपना डर काम करें दो दो एग्जाम्पल है मेरे पास जो कि मुझे लगता है समाप्त कर सकते हैं जो हम सब ने किया है एक जाकिर खान ने बोला एक जगह कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमारे पैशन के खिलाफ नहीं है वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते वो डरे हुए हैं कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुए तो दूसरा एक दोस्त है अनुभव अस्सी उसने बोला था किसी टॉक में कि तुम्हें लग रहा है ना कि ये जॉब नहीं कर रहे बदल दो हर दो साल में बदलो जब तक बदलते रहो अपना काम जब तक आपको पता ना हो कि ये काम है जिसमें मुझे करना वो अभी कर सकते हो वो चालीस साल के होके नहीं कर पाओगे पचास साल के होके शायद नहीं कर पाओगे पर अगर अभी कर लोगे तो तब भी कर लोगे तुम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको कुछ डर कुछ सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी कुछ छोड़ना पड़ेगा Hmm. दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती करेक्ट कि आप अपने आप को सिक्योर भी रखो और आपको उड़ान भी लंबी करनी हो hmm. नहीं अगर आपको लंबी उड़ान लेनी हो तो यहां से इस पहाड़ से कूदना पड़ेगा ताकि आपको हवा मिले तो डर के साथ आप आप उड़ान नहीं ले सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आप से पूछना चाहिए अपने आप को महसूस करना चाहिए आपका शरीर आपका आपकी गट फीलिंग आपको बता रही होती है सही जा रहा है नहीं जा रहा है बस हम इग्नोर कर देते हैं उस बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार इस जॉब में इतना पैसा आ रहा है घर सिक्योर है हाँ गुड तो फिर ऐसा कर एक एक टाइम तक सिक्योर कर फिर छोड़ दे नहीं तो पूरी जिंदगी सिक्योरिटी में ही चली जाएगी Thank you so much for your time. Good luck Thank for Johnny Man. So much. I know people are going to love it. I loved it. <laughs> Thank, <laughs> Thank you. Thank so much. you. Much. <laughs> If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community and I'll see you soon.